प्रणाम, मैं हूँ प्रतिभा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? और आज है गोवर्धन पूजा और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं गांव देवी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग जब से यहाँ आए हैं, ये घर में जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तब से अभी गांव देवी का दर्शन नहीं किया। मीन्स आए गए हैं, बट वो जो एक मन से जाना होता है कि हाँ वहीं के लिए जा रहे हैं, और जो चढ़ाना होता है वो नहीं किया है। तो खास हम आज वहीं गांव देवी दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं, जो कि हम जहां भी रहते हैं तो वहां की जो कुल देवी होती हैं, जो देवी होती हैं, उनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग अभी ये घर में शिफ्ट होने के बाद ऐसे वो उस पर्पस से अभी नहीं गए उनके पास, बट आज हम वहीं जा रहे हैं, उनसे मिलने ही जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं गांव देवी के लिए। और दिवाली का दिन है तो खुशी हंसी रहना चाहिए, और हम सब बहुत भगवान जी का करना चाहिए पूजा, मतलब देवी जी का पूजा करना चाहिए। क्या है ना, दिवाली का दिन रहता है तो देवी जी का पूजा, जब रात हो गया था तो हम लोग पूरा घर का काम कर रहे थे तो सुबह हो गया था, तो इसलिए मम्मी बोली कि चलो फिर सवेरे को व्लॉग बनाते, तो सवेरे हो गया तो व्लॉग बनाते हैं। और इसी हम चाह रहे हैं भगवान जी का पूजा करने के लिए। कैमरा अच्छे से पकड़ो। और कैमरा देखिए मम्मी पर्स में क्या कर रही है क्या कर रही है मम्मी? पैसे रख रही है मम्मी, सामान ले रही है। और मम्मी अब अपना बाल कटवा कर आई, मेरा बाल कटवाई, क्या अभी छोटा दिख रहा आप सबको? जब बड़ा हो गया था तो बाल तो मैंने काट, मैं भी बोली मम्मी आपके साथ चलती हूँ, मेरा बाल कटवा दीजिए, तो कटवा दी। फिर मैं बहुत खुश हुई, मैं अपनी माँ को देखकर खुश हुई कि मेरी माँ मतलब कि गांव में भी रहती है तो वो उनका ऐसा ही बाल करता है, इसलिए वैसा ही बाल हो गया। अब देखो छोटी बच्ची दिख रही है, छोटी बच्ची दिख रही है। और देखिए कैसे लग रही है, बाल कटवाई है, यहाँ तक बढ़ गया था और यहाँ तक बढ़ गया था, तो इसे मेरे को बनाना पड़ा। डैडी को बुखार है तो वो साथ में नहीं आ पा रहे थे, मतलब डैडी को बुखार है और मैं क्या देख रही हूँ, देखिए मैं कार्टून से देख रही हूँ, नहीं दिख रहा आपको, मैं नहीं दिखा पा रही। और ये डैडी मतलब डैडी को बुखार है तो नहीं आ पा रहेंगे मंदिर, फिर उनको मैंने बोला कि आप अपना घर पर ध्यान रख लेना, तब जब तक आपको भूख लगे तो आप मम्मी को फोन कर लेना, इसलिए मिलते मंदिर में आप सब स्वरूप से मिलते। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है धूप से, हमको नहीं दिख रहा है, बट उसमें कैमरा में फिर दिखेगा। Thank you.
थोड़ा धूप तो इस टाइम है ही और बहुत जोर की भूख लगी क्योंकि हम लोग ने नाश्ता भी नहीं किया है। जाना था मंदिर तो करके हम लोग कुछ भी नहीं, सिर्फ पूजा पाठ स्नान वगैरह घर का काम। मेरे को प्यास लगी तो मैं पानी, हाँ पानी पियो। तो हम लोग पहले अभी खाना खाएंगे, बहुत जोर की भूख लगी है और बस पहले खाना खाते फिर। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाय दोस्तों, मैं सुप्रिया, मैं जियो से ही बोल रही हूँ। आज सबका स्वागत बोल सकती हूँ। आज दीवार का दिन है तो हम सब बहुत अच्छे थे, लेकिन भैया का एक था जो टूट गया, तो मैंने बोला कि मेरा ब्लैंकेट का गन ले लो आप, तो भैया ने ले लिया। और अभी मैं थोड़ी देर पढ़ के अभी उठ रहा हूँ, तो हम लोग थोड़ी देर पटाखे फोड़े। अच्छा तक नियति ने छुरछुरी जो है फायर क्रैकर सारा फायर क्रैकर जला दिया पूरा। मतलब मैं जब पढ़ के जब उठा तो मैं बोला अरे वाह दिवाली, चलो फटाखे फोड़ दो। तो देख रहा हूँ तो एक भी फटाखा नहीं बचा मेरे लिए, बस वही एक ऐसा गन उसमें गोली रिलोडेड, बस वही मेरे को नहीं बोली ये आपका। और वो भी क्या उसमें वो डैमेज था कि नियति ने डैमेज करा दिया, मैं जैसे ही चला वो तुरंत टूट गया। लेकिन मैंने मम्मी का टॉवल जला दिया तो मम्मी मेरे को बोली कि बेटा अगर जलाओगी वापस तो मैं बहुत तुमको कूटूंगी। लेकिन फायर क्रैकर से नहीं है ऐसा, मम्मी का टॉवल था, मम्मी के टॉवल में ऐसा छुआ दिया पूरा जल गया। मम्मी मजाक करी थी, मारी भी नहीं लेकिन बोली कि रुका तू और मम्मी जैसे ही मम्मी गुस्सा होकर उठी मारने के लिए, तब तक नियति बोल रही है मम्मी वो देखो डैडी ने वो जला दिया टॉवल। मम्मी पूछ रही डैडी ने टॉवल जला, फिर मम्मी जाकर देख रही तो डैडी पानी डाल रहे टॉवल पे, तो मम्मी को ये लगा कि डैडी ने ही जला है, गलती से जल गया होगा। तो मम्मी डैडी को पूछे ऐसा जलाया क्या आपने, ऐसा पूछी तब तक डैडी बोल रहा है कि नियति ने जलाया था। तो जो नियति जाके ब्लैंकेट में व्हाइट वाले ब्लैंकेट में लेटी, अंदर जाके एकदम अंदर ऐसा करी, तो मम्मी ने जब ब्लैंकेट खोला और मम्मी ने सारे लाइट ऑन कर, फिर इसके आग तो थोड़ा थोड़ा हिलने लगी, मम्मी गुदगुद की उठी, फिर वही डांट खाई, फिर और चलिए अभी हम ब्लॉग का एंड करने वाले हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज करें। आप लोग अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए, कोई नहीं सब्सक्राइब करता, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ एकदम सब्सक्राइबर्स एक भी नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत देखा मैंने। मम्मी भैया का प्लीज अभी क्या काट रही है, बुक काट कर उसमें लिख रही है मेलोडिक लोगी, सबको पता नहीं कि किसका गाना है। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, उसके नीचे कमेंट कर दीजिए आपको जो गाना है, मैंने कमेंट किया हो गया सारा, आप उनसे बात कर सकते हैं। और रुको, पटाखे फोड़ी थी चंगारी, फिर उनका हाथ यहाँ से जल गया, फिर वो मेरे कल और उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है जो कि रेड कलर में रहेगा, आप उसको दबाएंगे तो ग्रे होगा, उसके बगल में एक बेल जैसा आएगा उसको दबाएंगे और ऑल कर दीजिए, जिसके कारण सारा जो भी मम्मी मतलब जो भी वीडियो डालेगी, गाना डालेगी, ब्लॉग डालेगी, जो भी डालेगी, नया नया जो भी करेगी, सब आपको मिलते जाएगा, नोटिफिकेशन आते जाएगा यूट्यूब का, फिर आप उसके द्वारा हमारा चैनल का हर चीज देख सकते हैं। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। मेरे को डर लगा मम्मी, मेरे को गुरु की करीब भी मैं
बोली मम्मी मार को तो यहाँ से चले जाओ। और आज भी हमारे बहुत घर अच्छा लग रहा है और आज काम भी सब हो गया और गांव देवी मंदिर गए थे हम, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। धूप लेकिन बहुत था, धूप पे थोड़ा कम रहता ना तो अच्छा लगता था। और चलिए अभी हम यहाँ पे अपना व्लॉग का एंड करते हैं और लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए प्लीज। मैंने बाय बाय, थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट प्लीज कर। और दोस्तों फिर मैंने बोला कि मम्मी चलो कल बताना अभी बाय। रुको, कविता आंटी के साथ हम रुक गए लेकिन उनको एक घंटा लगा आने में। वो क्या है ना, मतलब कादा दीदी की मम्मी आई थी मिलने के लिए उनसे, फिर उनसे मिलने के एक घंटा लग गया। तो मैंने बोला मम्मी मेरे को पता है सब कुछ है लेकिन आप लोग उनको छोड़ दीजिए वरना हम एक घंटे से बात करते रहेंगे। और चलिए अब हमारा ब्लॉग का एंड है अभी। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट प्लीज कर। ना लाइक बढ़ रहा है, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, ना कमेंट आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। एक हो क्या रहा है, आप लोग प्लीज करें प्लीज। थैंक यू। इसलिए मैं बोलती हूँ, हर रोज मैं बोलती हूँ, चैनल को लाइक करे।